पर से इट्स नॉट एनीथिंग दैट आई डोंट लाइक. मतलब यहाँ पे आके मेरे स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइड हुआ है. मतलब मैं आई हैव कम आउट ऑफ माय शेल. मतलब पहले आई वाज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय कि यू नो आई विल गो एवरीवेयर, यू नो, बी दिस इन्वॉल्व, बी दैट इन्वॉल्व. बट यहाँ पे आके देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, देयर सो मच इज हैपनिंग राइट नाउ. सो इट ओपन्स योर बाउंड्स, इट ओपन्स यू टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, ओपन यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस. सो वही है कि यहाँ पे आके इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. आई एम लाइक it can't be described in words, and it's amazing. Hi and hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by An Academy. This is your host Chaitanya Mittal, All India Rank 4 in the AIIMS 2019 Entrance Examination, All India Rank 5 in the JIPMER 2019 Entrance Examination, currently a Final Prof MBBS at AIIMS New Delhi. और आज मैं आ गया हूँ फिर से एक CTWT के एपिसोड के साथ with another of my juniors, that is Yagyam Sethi. So welcome Yagyam to CTWT. Thank you. So Yagyam had an All India rank of 59 in the NEET 2022 examination and a score of 700, hai na? And the wonderful fact is perfect 180 in physics, am I right? Yeah. Right. So that was the amazing result that Yagyam had. And sabse pehle Yagyam se poochte hain ki jab result aaya, bhai to kya feeling thi? What did you feel? Kaisa laga? Sabse pehle jab result aaya, so that was the most extraordinary feeling for me. मतलब my rank was 59, तो previous years के देखने से लग नहीं रहा था कि AIIMS मिलेगा, तो काफ़ी ambiguous सी feeling थी, काफ़ी dicey सा लग रहा था मेरे को भी. But still I was very happy with my score, I was very satisfied, my parents were very happy, all in all my sister, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा motivate किया था इस चीज़ के लिए, she was very happy. तो I was very happy. So you mentioned कि your sister had a very important role in your preparation, and I know that she's a final year at GMC at Chandigarh. तो ये ज़रूर होता है कि हमारी फैमिली में देर इज़ समवन हु ऑलवेज यू नो मोटिवेट्स अस एंड इंस्पायर्स अस. तो क्या रोल था ऑफ योर फैमिली इन योर प्रिपरेशन एंड स्पेशली योर सिस्टर इन योर प्रिपरेशन? क्रेडिट जाता है मेरी इसका अचीवमेंट का, वो मेरी दीदी को जाता है और ऑलमा मेरे मम्मी पापा को भी. बट दीदी का मेनली क्यों, क्योंकि शी वॉज देयर फॉर मी वेन ऑल माई ब्रेक डाउन्स आर हैपनिंग. मतलब जब भी मेरे को कोई टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कुछ मेरे को सब क्लटर सा लग रहा है मेरे माइंड में, मैं दीदी के रूम में जाता था और मुंह अपना बेड में डाल के रोने लग जाता था कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, प्लीज़ मेरे को निकालो यहाँ से, मुझे नहीं करना है. दीदी पूरा मेरे एक घंटा बात सुनेगी, मेरे को काम करेगी और फिर ऐसी टेक्निक्स बताएगी कि जिससे मैं अपने आप ही वो अपलिफ्ट हो जाता था. तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे को संभाला है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर. सो दैट्स वंडरफुल एंड आई होप कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दैट योर दीदी पास्ड ऑन टू यू, यू विल ऑल्सो पास ऑन टू आर लर्नर्स. तो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट एंड आई विल गिव यू सम आइडिया दैट योर जूनियर्स आर गोइंग टू अपियर फॉर देयर नीट एग्जामिनेशन ऑन 7th May 2023. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए हम पहले बात करें कि वॉट टू डू इन द लास्ट टू मंथ्स एंड वॉट डिड यू डू. ये लास्ट टू मंथ्स की जर्नी कैसी थी, क्या क्या किया, कैसे रिविजन कम्प्लीट किया, सिलेबस कब तक कम्प्लीट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं. तो हमारा पेपर था 17th of July को. तो मेन अगर तुम्हें लाइक अच्छा स्कोर चाहिए नीट में, तो एटलीस्ट तुम्हारा 2 महीने पहले तो सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए. दैट टू मंथ इज जस्ट फॉर रिविजन एंड फॉर प्रैक्टिस. तो मेरे लिए बेसिकली लास्ट के 1.5 मंथ में मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए. मतलब हमारे कोचिंग वाले भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में बिलीव करते थे कि वही कहते थे कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ही तुम्हारी परफेक्शन बनेगी क्वेश्चंस में. तो हमारे बीच में जब बोर्ड्स भी हुए थे, तो इट वॉज लाइक कि हम बोर्ड का पेपर दे के आते थे सुबह एंड शाम को आके हम कोचिंग में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे. तो इट वॉज दैट हेक्टिक. मतलब उसी हेक्टिक शेड्यूल, उतना टाइट शेड्यूल में हमने वो रहना सीखा है, टेस्ट देने सीखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हम स्कोर अच्छा स्कोर करते थे उसमें. अगर इस टाइम पर मैं बात करूँ कि रिविजन कैसे करी थी, हाउ डिड यू रिवाइज, जो 2 साल में इतना कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कैसे करना है लास्ट के 2 महीने में? तो मेरा बेसिकली ये था कि फिजिक्स में आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर. मतलब हर चैप्टर में ऑब्वियसली फिजिक्स है तो फॉर्मूलाज होंगे, तो शीट बनाइए, उस पर सारे फॉर्मूला लिखे और रख दिया एक फोल्डर में, हर चैप्टर की, हर 11th के, हर 12th के, सारे चैप्टर्स की एक फॉर्मूला शीट बना ली. लास्ट के जब भी तुम्हें पेपर देने जाना है, मॉक टेस्ट देना है, तो यू कांट रीड द होल चैप्टर और तुम नोट्स भी सारे नहीं पढ़ के जा सकते. इट्स जस्ट द फॉर्मूला शीट दैट यू रिवाइज और वही यूज आते हैं. थियोरेटिकल चीज़ें तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो तुम वो टिक कर देते हो, बट मेन जो फॉर्मूला के होते हैं, जो ऐसे स्लिप होते हैं दिमाग से, तो वही चीज़ें उसको बार बार ब्रश अप करने के लिए मैं वो फॉर्मूला शीट रेडी रखता था फिजिक्स के लिए बेसिकली. और रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की,
की, सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो केमिस्ट्री में मेरा बेसिकली ये था कि मैंने सारा एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ था, सारे मॉक टेस्ट में अच्छे से, मतलब पूरा एक बाय लाइन बाय लाइन सब सब मैं क्वेश्चंस करता था। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी मेन थी, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने एटलीस्ट, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर चाहिए और तुम्हें एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब इट वाज लाइक हमारे इतने ज़्यादा टेस्ट होते थे ना एनसीईआरटी बेस्ड की, अब हमें हर एक लाइन रटती थी एनसीईआरटी की, क्या वर्ड कहाँ लिखा है, वो पेज नंबर तक याद आता था कि हाँ यहाँ लिखा था, यहाँ याद था, इस डायग्राम के नीचे ये चीज़ मेंशन की थी, ये भी थी। तो ऐसी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो अब एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर से डिस्टिंग्विश करती हैं। तो ये इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था लास्ट के टाइम पे। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा और डिटेल में अगर मेरे को रिवाइज करना है विद फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों की अप्रोच थोड़ी अलग होगी, तो व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एक्जैक्टली वही फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर, कुछ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स, फॉर्मूलाज लिख लिए। लाइक मेरे लिए मेन एक इक्विलिब्रियम चैप्टर रहता था, मेरे को बिल्कुल कभी याद नहीं होता था, मेरे को हमेशा फॉर्मूला भूलते थे, हमेशा वो कॉन्सेप्ट जो एक होता है इक्विलिब्रियम का मेरे को आज तक नहीं आया, बट उस बात ने मेरे को कभी रोका नहीं। मतलब अब अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, यू कांट गो इनटू पूरी डेप्थ एंड तुम पूरा नॉलेज कभी ग्रास्प नहीं कर सकते, क्योंकि कभी नहीं, नॉलेज कभी पूरी पड़ती नहीं है। तो जितना तुम्हारा काम चल रहा है फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ो, लाइक कभी रुकना नहीं है। एक उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज किए थे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे काफ़ी ज़्यादा। इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली ये था कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, लाइक तुम पीवी से क्वेश्चन भी उठा लो, आप इस साल इंटीरियर वालों ने प्रूव किया है कि भाई आप एनसीईआरटी से भी कितने मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हो। या सो इनऑर्गेनिक के लिए तो बार बार रीडिंग ही चाहिए होती है, और मॉक टेस्ट में अगर तुम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो और वही नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और हमारे मॉक टेस्ट में ऐसे होते थे कि हर बार एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया क्वेश्चन आता था, हम तो अभी ये भी लिखा था एनसीईआरटी में, हमने कभी लाइक इतने ध्यान से देखा नहीं। सो इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी थरो होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक के लिए मेनली नोट्स काम आते हैं तुम्हारे, जो तुम खुद के नोट्स बनाते हो एनसीईआरटी से ही। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब तुम्हें एक प्रोडक्ट तक पहुंचना है, तुम किस किस मैकेनिज्म पहुंचोगे, वो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वही है, मेनली प्रैक्टिस का होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन। ठीक है, तो अगर हमने रिविजन कर ली, हमने मॉक टेस्ट दे लिए, अब हम इन मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें एंड हाउ डू वी इम्प्रूव आर स्कोर? अगर किसी के स्कोर मान लो अभी 600 नहीं टच कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू रीच टू 600, दे वॉन्ट टू रीच टू 650, तो अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है? स्कोर बढ़ाने के लिए मेन होता है कि आप अपना एरर एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, मतलब तुम गलती कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, पहले वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, तुम कर भी रहे हो तो वो रिपीट क्यों हो रही है? ठीक है, अगर सेम गलती रिपीट करे देन दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब अगर एक गलती तुम कर रहे हो, गलती करना इज नॉर्मल, इट्स मतलब करो, अच्छी बात है, तुम्हें पता लगता है, बट अगर तुम सेम गलती बार बार कर रहे हो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट राइट। सो मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉपी बनाई थी, मतलब जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट देके आता था मैं वो सारे क्वेश्चन लिखता था, मतलब लाइन बाय लाइन लिखता था कि जो मेरे गलत हुए हैं एंड जो डाउट्स वाले भी थे, मतलब जो मेरा क्वेश्चन डाउट में है कि मेरा तुक्का सही लग गया या फिर मेरा एक सिली क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि मेरे को आता था, मैं सिली क्वेश्चन भी लिख लेता था कि ये मेरा फिबल कर गया माइंड उस टाइम, बट अब भी आगे नहीं करेगा। तो जब भी मैं नीट का जब पेपर देने से पहले, मैं ये जो मेरी दो बुक्स भर गई थी मेरी, ये मॉक टेस्ट कर करके पूरा एनालाइज करके, तो मैं सारी एक बार पलट पलट के देखता रहा कि हाँ ये गलती की थी, ये गलती की थी। तो एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा, तो ये गलतियाँ डायरेक्टली नीट में काम आई? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दो क्वेश्चन थे ऐसे फिजिक्स में ही जो मेरे बच गए, जो मैंने किया था उसमें मॉक टेस्ट में गलत किया था, बट नीट में बस सही हो गया। So, important. Probably those two questions are the reason why you had full marks in physics. In physics, yeah. So these small, small things, these small, small tips may seem like ki inse to do question ka hi fark pada, but ultimately when you look at the larger picture, it's a lot of difference. Ab ek important cheez jo, you know, I've been asking a lot to everyone who I'm interviewing because I feel ki people don't talk about it. Yeah. And like I say, NEET has evolved, CDWT will also evolve. Yeah. सेक्शन बी इज समथिंग दैट केम इन नीट एंड मेरे टाइम नहीं होता था, तो मैं, मेरे को समझ नहीं आता कि सेक्शन बी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो यू टेल मी हाउ डिड यू अप्रोच सेक्शन बी? तो सेक्शन बी के लिए मेरा एक थोड़ा बैक टू माइंड में ट्रॉमा ही रहता है, क्योंकि जो बायोलॉजी में मेरा जूलॉजी में क्वेश्चन गलत हुआ वो सेक्शन बी में हुआ, सो आई कुड हैव अवॉइडेड दैट क्वेश्चन। वो चीज़ काफ़ी चुभती है अभी तक मेरे को कि वो एक क्वेश्चन जो कि स्किप कर सकते हो। मेन सेक्शन बी की यही फायदा है कि तुम क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मतलब इफ तुम्हें नहीं आता तुम यू कैन गो टू, देयर फाइव एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू, बट स्टिल मैंने वो चूज किया और वो मेरा गलत हो गया। सो दैट आपको एक सीख लेनी चाहिए कि अगर तुम्हें श्योर नहीं है क्वेश्चन दैन डोंट अटेम्प्ट इट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग मेन सेक्शन बी का ये है कि तुम्हें OMR का बेसिकली पता होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे क्वेश्चन में गलत ना मार्क कर दो, क्योंकि आप लीव करने होते हैं क्वेश्चन बीच में, अगर तुम्हें बीच में दो क्वेश्चन आ रहे बट नेक्स्ट वाला आ रहा है तो यू हैव टू लीव द टू स्पेसेस, बट एंड में हर बड़ा हाथ में अगर टाइम नहीं बचता तो लोग बबल गलत कर देते हैं और फिर वो पछताते हैं। सो मेन सेक्शन बी का यही है कि
एक बार एनालाइज करना कि तुम्हें क्या आ रहा है और श्योरिटी के साथ मार्क करना। तो वो जो क्वेश्चन गलत हुआ जूलॉजी का, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी बायो में टोटल, नहीं तो सिर्फ बायो भी परफेक्ट होती। तो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज इट, व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर इट? आई एम श्योर यू हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट, एंड मैं वो घाव को नमक लगा रहा हूँ, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि हम फ्रॉम योर मिस्टेक्स आर लर्नर्स हैव टू लर्न। सो दैट वॉज द क्वेश्चन ऑफ बायोटेक, मतलब उसके अंदर इट वॉज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा था कि विच ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मतलब अब उन्होंने ह्यूमन में जो प्रोड्यूस होती है इंसुलिन उसके बारे में भी फैक्ट्स थे, और जेनेटिकली प्रोड्यूस जो हम उसमें एली लिली ने बनाया था वो उसके भी फैक्ट्स, ह्यूमुलिन एग्जैक्टली। सो अभी सिर्फ ह्यूमुलिन के बारे में फैक्ट्स टिक करने थे, बट ऐसे वे में दे रखे थे कि मेरे को लगा कि वो ह्यूमनली जो ह्यूमन में बनते हैं उस वो वाले फैक्ट्स भी मैंने टिक कर दिए थे। सो वो जैसे लाइक क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही काफ़ी उन्होंने थोड़ा ट्रिक कर लिया ना दिमाग को, तो उसमें मैं थोड़ा धोखा खा गया क्वेश्चन में, एंड कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये तो सही ये है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। And I'm sure in the remaining five questions there must have been one or two other questions that I could have done. पक्का आते होंगे है ना। एनीवे बट स्टिल यू नो डिस्पाइट ऑल दैट एक छोटा मार्जिन ऑफ एरर है नीट में, इवन दो छोटा है, बट यू इफ यू डू वेल लाइक यू मेड दैट मिस्टेक बुक समहाउ यू गॉट टू क्वेश्चंस राइट इन फिजिक्स, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो जाता है। और होली कैसी थी एम्स में? बहुत अच्छी थी, लाइक उसमें इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द मड पिट, मतलब एकदम पूरे लोग आपको पांच छह बार उठल उछल के फेंक रहे हैं, उसके बाद तुम जा रहे हो टेटनस शॉट लगवाने, तो इट वॉज अनदर एक्सपीरियंस लाइक टी-शर्ट जिंदा बची थी नहीं फाड़ी गई थी नाइस तो बहुत क्रेजी होती है होली, एंड सेम फॉर अदर ओकेजंस आल्सो दैट कीप कमिंग। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर लाइफ एट एम्स दिल्ली? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर एंजॉयिंग? इज देयर समथिंग दैट यू डोंट लाइक? नो पर से इट्स नॉट एनीथिंग आई डोंट लाइक, मतलब यहाँ पे आके मेरे स्पेक्ट्रम काफी वाइड हुआ है, मतलब मैं आई हैव कम आउट ऑफ माय शेल, मतलब पहले आई वॉज नॉट दैट टाइप गाय कि यू नो आई विल गो एवरीवेयर यू नो बी दिस इन्वॉल्व बी दैट इन्वॉल्व, बट यहाँ पे आके देर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दिस सो मच इज हैपनिंग राइट नाउ, सो इट ओपन्स योर बाउंड्स, इट ओपन्स यू टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, ओपन यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस। सो वही है कि यहाँ पे आके इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, आई मीन लाइक it can't be described in words, and it's amazing. So now Yagyam is a cool kid. No, I'm not a cool kid. No, I don't like that joke, by the way. Okay. So now we'll talk a little bit about more about your paper attempting strategy. कि paper कैसे attempt किया physics chemistry bio में, क्या पहले attempt किया and OMR कब bubble की, little bit about that. So मेरी strategy रहती थी कि मैं पहले bio attempt करता था, फिर chemistry and at the last physics. ठीक है, तो अब main NTA ने हम सबके साथ धोखा किया, bio इतनी lengthy बना दी कि करते करते ही stress हो रहा है। लाइक यूजुअली मेरी बायो 25 मिनट्स में डन रहती होती थी, मतलब 90 क्वेश्चन, मतलब भाई 100 क्वेश्चन वो स्किप करने वाले, 90 क्वेश्चन डन रहते थे 25 मिनट्स में, बट अब वो करते करते मेरे 50 मिनट्स चले गए, एंड इट वॉज डबल टाइम एग्जैक्टली। सो बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैड लाइक फोर पार्ट्स, यू हैव टू लुक इनटू, यू हैव टू रीड एवरी ईयर सिंगल लाइन, वेरीफाइज करेक्ट और नॉट, एंड एक दो क्वेश्चन में वो भी थी कॉन्ट्रोवर्सी भी थी, सो दैट काफी फ्रीक आउट। लकीली यू गॉट दैट राइट, या लकीली आई गॉट दैट राइट, या लकीली आई गॉट दैट राइट, थैंक यू। सो मेन जब बायो मैंने शुरू करी, आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसके अंदर, सो आई क्विप्ड अप केमिस्ट्री, एंड मे बी दैट्स द रीजन आई लॉस्ट 3 marks इन केमिस्ट्री, बिकॉज मैंने काफ़ी तेज अटेम्प्ट करी केमिस्ट्री, क्योंकि आई न्यू कि मेरा बायो में बहुत टाइम लग गया एंड फिजिक्स में टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है, बट आयरॉनिकली फिजिक्स में टाइम नहीं लगा क्योंकि फिजिक्स काफ़ी सोबर आई थी, मीडियम आई थी लेवल की। सो उसको छोड़ के फिर मैंने केमिस्ट्री पे फिर जंप किया, मैंने उसको सारे देखे कि कन्फर्म किया कि ठीक है कि नहीं। OMR फिल्म की स्टार्टिंग थी मेरी, 2 hours 30 minutes मैंने कर लिया था पेपर, लाइक जैसे तैसे तेज तेज कर लिया था, एंड मैं क्या करता था कि एक बार पेपर एक बार कर लिया, फिर उसके बाद मार्क करते टाइम ना आई यूज टू डू लाइक देर आर 7 questions ऑन 1 page, आई विल चेक द होल पेज एंड देन आई मार्क द 7 questions, लाइक आई चेक ओके सो इट्स देन आई मार्क देम, सो आई विल नॉट मार्क, आई एम नॉट मार्किंग एट द स्ट्रेच कि भाई 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, बट आई एम मार्किंग लाइक धीरे पेज बाय पेज या ताकि एक बार रीचेक भी हो जाए, एग्जैक्टली, ताकि तेज भी ना हो ज़्यादा और बहुत स्लो भी ना हो, लाइक चेक किया देन मार्क किया, चेक किया देन मार्क किया, दैट्स काइंड ऑफ स्लो, बट एक बार चेक किया फिर मार्क किया फिर दूसरा पेज चेक किया, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी हेल्प मी। मैं ज़्यादा बर्न आउट भी नहीं हुआ उस फेज में कि भाई मेरे को ज़्यादा करना है, तेज हो मैं बनिया, इट वाज नॉट लाइक दैट। सो ऑल इन ऑल मेरा 5 minutes बचे थे लास्ट के, चिल था, बहुत चिल, मेरे ऐसा लग रहा था मेरे सर से बोझ उतर गया कोई, एंड आई वाज फीलिंग सो रिलैक्स कि भाई अब खत्म,
And what did you do on the exam day after it was over? क्या किया? Like मतलब मेरी दीदी मेरे को लेने आई थी and उन्होंने पूछा कैसे हुआ and it was just a weird feeling कि I'm not sure कि मेरा अच्छा हुआ है, I'm not sure कि मेरा बुरा हुआ है, मतलब okay, मतलब I was feeling good, okay, yeah, so वो लेके गई and she was constantly asking me where do you wanna go, I'm not take you out, मतलब खिलाने लेके जाना, क्योंकि मैं कहा please drop me home, I just wanna sleep, मुझे सोना है बस. Then I went home, I slept for 5 hours and then woke up and our family went out to dinner. And ironically, dinner ke time pe, our coaching institute, they released the answer key. And while I was eating, I was checking my answers. It was like that. I got to know that I'm getting 700 and everybody was quite happy. We were talking a little bit more about the detailed preparation now. Jo baki aspirants hai, unko bhi samajhna hai ki what was your journey like in the 2 years, hai na? And we'll talk subject wise very quickly. What were the books and resources that you used? Yeah. And kya strategy thi for physics, chemistry and biology? My parents got me enrolled in the coaching institute at 9th only. 9th, 10th I did the coaching. But I was not kind of serious back then. Matlab utna nahi tha. Matlab wo jo chodi maze wali coaching. Maze wali, haan, waise wahi hoti hai. Chill kar rahe hain. Matlab thodi bahut padhai bhi chal rahi hai saath mein. But main focus nahi tha wo. But jaise 11th hua na, to thodi aankhein wagaira khul rahi hain. Ki humne 11th mein le liya medical. So we have to go like that. तो एंड 11th में कोविड स्टार्टेड एंड सब ऑनलाइन हो गया एंड 11th की स्टार्ट में सो स्लो आई डिडंट रीड एट ऑल आई वाज जस्ट बिंजिंग सीरीज होल नाइट लॉन्ग लाइक आई वाज नॉट स्टडिंग मतलब एट द मिड ऑफ द टाइम मतलब जब लाइक ऑगस्ट आ गया मतलब तब थोड़ा हुआ मेरे को कि भाई टेस्ट होने लग गए मार्क्स नहीं आ रहे ठीक है तो लगा कि एक वेव खत्म हो रही है एग्जैक्टली तो उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना मतलब मेरी वो लाइक एक्सेलरेशन बिगिन हुई एंड 12th की स्टार्ट में आई वॉज एट माई बेस्ट फॉर्म मतलब मैं एकदम बढ़िया से पढ़ रहा हूँ एकदम मेरे को कोई वो नहीं अफेक्ट कर रहा तो मैं एकदम स्टीव जर्नी मेरी अच्छी चल रही है रिसोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स के लिए आई जस्ट फॉलोड माई कोचिंग मॉडल बिकॉज दैट वॉज मोर देन इनफ एंड लाइक आई वांट टू एम्फसाइज़ ऑन द फैक्ट दैट एनसीईआरटी लोग कहते हैं कि फिजिक्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होती एंड काइंड ऑफ ट्रू भी है कि नहीं होती कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती बट माई मेन थिंग इज कि जो 12th पोर्शन में मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थियरी वाले सो आई सजेस्ट कि मॉडर्न फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का सेक्शन है वो तो ज़रूर पढ़े एंड मैकेनिक्स के लिए भी बैक एक्सरसाइजेस फिजिक्स के बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल मतलब अगर तुम एक बार कर लोगे ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे तुम्हें करना आ रहा है क्वेश्चन तो पर से मत पढ़ो फिजिक्स की मैकेनिक्स मत छुओ इतना कोई वो नहीं है बट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के कर लो वो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फिजिक्स में आई यूज टू मेक वही फॉर्मुला शीट्स बनाते थे उसको बार बार रिवाइज करना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बस वही तुम करोगे ना तुम्हारी एक्सेलेंस तभी बढ़ेगी तुम परफेक्शन तभी बढ़ेगी जब से तुम प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा करोगे एंड एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न मैं कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं करी एक्जैक्टली कोचिंग मॉड्यूल ही करते रहे पूरा टाइम लाइक लेवल 1 होता लेवल 2 होता था यही करने में बहुत टाइम निकलता था बाकी कुछ ज़्यादा करने का टाइम नहीं मिलता था एंड एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न मेरे को एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत लेट समझ आई लाइक कन्वेंशन लोगों को नहीं समझ आती मेरे को भी नहीं आई थी कि एनसीईआरटी पढ़नी बोलते समय बट सब तब तक कोई नहीं सुनता जब तक यू नो खुद वो रियलाइजेशन हिट ना हो एग्जैक्टली तो अब हम जैसे हम टेस्ट देते थे 11th में क्वेश्चंस आ रहे हैं हमने एनसीईआरटी खोली नहीं है मतलब हम कोचिंग के मॉड्यूल से वो पढ़ के आंसर कर रहे हैं बट अब 12th में आ गए अब 12th में थोड़ा सीरियस हो गया तो बैक में जाके जब हम 11th के क्वेश्चंस देखते थे ना मतलब भाई ये तो एनसीईआरटी में था ये तो हमने देखा ही नहीं ये तो देखा ही नहीं मतलब वही जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो ना तुम स्टार्ट करते हो तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या चीज़ें मिस कर रहे हो और वही पूछ रहे हैं लाइक लास्ट ईयर पेपर उससे पहले का लाइक द लास्ट 3-4 ईयर पेपर एनटीए जब से बना रहा है It's like everything is from NCERT, but they've shown this year because you can make difficult questions from NCERT as well. Especially bio. Especially biology, yeah. वही है बायोलॉजी के लिए मेन एनसीईआरटी पे फोकस करना है मतलब ऑब्वियसली तुम स्टार्ट में तुम्हें बेस बनाने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चंस मतलब दिन के 100 क्वेश्चंस बायो के कुछ नहीं होते हैं एवरीबडी शुड डू ठीक है ऐसे बहुत बहुत जल्दी कर लेते हैं लाइक 20-30 मिनट्स लगते हैं सारे बायो क्वेश्चंस करने में एंड बेस बनाने के लिए यू कैन स्टार्ट विद कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस काफ़ी जो टफ होते हैं फिर धीरे धीरे वर्क योर वे अप टू ओनली व्हाट्स रेलेवेंट एंड यू शुड नो वेयर टू स्टॉप ओके सो अगर तुम फालतू की इंफॉर्मेशन पढ़ी जा रहे हो आप ओलंपियाड का पढ़ के नीट का देने पेपर जा रहे हो तो इट्स नो वीक It's foolishness. So, आपको पता है, you know, you should know where to stop and you should know what to stick to when your exam is close to. So, जब exam मेरा पास था, तो 3 महीने मैंने NCERT के अलावा कुछ छुआ नहीं. मैंने मेरी NCERT थी और मेरे हाथ में notes थे. मैं जो mock test करता था, उसका कुछ लिखा, चिट बना ली, NCERT में लगा ली. फिर जब revise करना, वो चिट पढ़ ली, बस उतना बस वहीं compile कर दिया उसको. Compile कर दिया exactly.
तो उससे ज़्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं मिला। मेरी NCERT हर लाइन मार्क्ड है, हर वो चिप पे कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, प्रीवियस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है कि मैंने अलग अलग हाईलाइटर से मार्क किए हैं कि रेड पेंस लेके कि PYQ ये 19 का है, 18 का है क्वेश्चन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं। सो दैट वॉज माई मेन स्ट्रैटेजी। राइट, तो कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू सॉल्व्ड एंड हाउ मेनी इयर्स डू यू थिंक यू शुड गो? लाइक मेनली जैसे पहले PMT होता था तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी एक्स्ट्रा भी आते थे, ठीक है। तो मेरा अगर आपको करने हैं प्रॉपरली तो 2012 से लेके अभी 22 तक आप नॉर्मली कर सकते हो, उससे पहले जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे। तो 10 years, 10 years, या 10 years तो मस्ट यू शुड डू। And what about JEE Mains के previous years? Did you attend them? मैंने JEE Mains की physics chemistry obviously करी थी। मतलब मेरे को बोला, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मतलब दिए थे पेपर, JEE Mains का भी दिया था, मतलब देने के लिए दे दिया कि पता चलता एक्सपोजर मिल रहा है, वो ऐसे कहते थे। बट मेरे को भी देना था, बट मेरी दीदी ने लेने दिया क्योंकि वो कहते थे कि जो चीज़ हमने करनी नहीं है then why focus on that? If your goal is straight, मतलब तुम्हें इधर जाना है, एम्स में जाना है, तो अगर तुम उसी के स्ट्रिक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस करो ना, तो मैं JEE दे के तुम एम्स में भी जा सकते हो। तो ऐसे करके तुम फालतू में अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो कि JEE देना है, वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर मोरल डाउन होगा। लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अपनी एक्सपोजर बढ़ा ले, बट स्टिक टू योर पाथ। बट वो अदरवाइज सॉल्व करके फायदा हुआ? या बहुत फायदा, मतलब उससे ना एग्जैक्टली जब तुम हार्ड क्वेश्चन पर से, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते नीट में, बट हार्ड क्वेश्चन वाले कंसेप्ट आ सकते हैं। मतलब तुम्हें अगर वो कॉन्सेप्ट पता है और उस पर बहुत इजी क्वेश्चन बनाया है तो तुम आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे जो स्टार्टिंग के मैं KVPY के क्वेश्चंस करता था, ये फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस करता था, तो इससे ना मेरा बेस बन गया था काफ़ी अच्छा। तो एंड में आते आते जो उन्होंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देते थे वो मेरे से हो जाते थे, और मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे को बहुत पसंद था, इसलिए मेरे अच्छे भी मार्क्स आए उसके अंदर, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था फिजिक्स करना। तो फिजिक्स वॉज नॉट अ मच प्रॉब्लम फॉर मी। सो वन थिंग यज्ञम, यू मेंशन इन द स्टार्ट कि you were demotivated at times. Yeah. In fact, you sort of mentioned ki, you know, you were in a state where you would almost cry. Yeah. So, aisi situations ke sath kaise deal karna hota? Because last 2 months, this is very common that you feel frustrated or demotivated. How do you overcome that? Tests regularly ho rahe hain hamare institute mein. Test mein kabhi number achhe nahi aaya. Matlab, at the end, it was like ki agar तुम्हारे लाइक फ्रॉम द स्टार्ट अगर तुम्हारे 640 से अपवर्ड चल रही है जर्नी बहुत अच्छी है, 680 तक आ रही है बहुत अच्छी है, अब 680 से 700 वाला जो गैप होता है दैट इज़ वेरी प्रिसाइस। मतलब तुम इतना ज़्यादा प्रिसीजन के साथ पेपर अटेम्प्ट करना होता है कि वो गैप अगर तुमने एक बार वो पार कर लिया देन उसके बाद नो वन स्टॉप यू, मतलब तुम बहुत अच्छा ही करोगे। एंड वो वाले गैप मेरा इतना ज़्यादा रहता है ना, मेरे कभी भी 700 टच नहीं हुआ। मतलब अभी मेरे को अगर फाइनल एग्जाम में परफॉर्म करना चाहता तो आई हैव टू हैव रैंक ऑफ 700 टू गेट इन एम्स। सो वो जो मेरा गैप था ना वो कभी कम नहीं, मेरा 685, 690, 695 पे आके बंद हो जाता था। मतलब मैं 700 टच नहीं करता था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा। बाकी मेरे आसपास वाले जो पीयर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। एक दस दिस वन गाय ही मोटिवेटेड मी सो मच कि he's getting marks of 700 plus, and उसको देख देख के मेरे को उतना ज़्यादा लगता कि गॉड आई ऑल्सो। सो वापस आके मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था कि मैं दीदी के रूम में बैठ जाता था एंड मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। आई वुड जस्ट स्विच ऑन द टीवी एंड वॉच द एनी मूवी आई वुड सी। सो वो मेरे लिए काफ़ी एक रिलैक्सिंग पॉइंट रहता है। मतलब मूवीज वॉज लाइक होम टू मी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूवीज़ का शौकीन हूँ, तो मूवीज़ देखना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी एक नॉर्मल मूवी देख रहा हूँ अच्छी लगती है मेरे को, तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद लाइक ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेच पे इतनी सारी देख ली कि तुमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट माइंड रिलैक्स करने के लिए, तुम्हारा जस्ट वो मेंटल स्टेट, वो मोमेंटम वापस आने के लिए जस्ट नीड अ लिटिल ब्रेक ताकि तुम बर्न आउट ना हो। तो वो मेरे लिए थी मूवीज़ वाला पार्ट एंड सॉन्ग्स वाला पार्ट, कि मैं कॉन्स्टेंटली सॉन्ग सुनता था अपने माइंड को काम रखने के लिए। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को हेल्प करी है मेरे को ट्रैक पर रखने के लिए। So there is a comfort zone that was there in movies or songs. Yeah. You know? So I think that is something that everyone should have. Ek stress buster of sorts rahega to wo demotivation overcome hogi. And second interesting thing that healthy competition is very, very important. Yeah. And there can always be someone in your life who does better than you and motivates you to do better. Exactly. So with that, I think we come to the end of the academic part of things, and I am sure ki our toppers have learnt a lot from you, and you are one of the few toppers who's actually sipping chamomile tea. So as you know, we have a segment in CTWT that's called Rapid Fire. So funda simple hai, I'll ask a few questions and you have to say whatever comes to your mind as quickly as possible. Okay. And if you do well, which of course you will, there's a gift hamper from CTWT's side to you. So are you ready? Shall we start? Yeah. Okay. So, ready? Yeah. So, first one.
व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? इंटरस्टेलर. इंटरस्टेलर समझ आ गई थी पहली बार में? 5 बार देखी है मैंने. नाइस. इफ यू कुड नो द एब्सोल्यूट एंड टोटल ट्रूथ टू वन क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क? व्हाई डू वी एग्जिस्ट? ओके. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट दैट यू ओन? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, my watches. Like I have a huge collection of watches. I've got 9 watches and it my mamu brings it from UK. Matlab every year he goes to it, brings me something, and most of the time it's a watch. So I got a lot of collections. I'm wearing one from his collection. Nice. What job would you be absolutely horrible at? Cooking. What movie has everyone else seen but you haven't? Like not movie, like it's a very popular series, Game of Thrones. I've never seen. Maine nahi dekhi. What is your dream job and what makes it so amazing? Like my dream job is like I wanted to be a music productionist. Like I have a huge interest in music production, and I wanted to do something in that career. But since I'm opting a career as a medical professional, but if I get like a free time for a hobby or something, I'll just go for that. That nice. Yeah. I am sure that you pursue that, become a great composer, and I'm able to brag that my junior is a music composer. Of course. Nice. What is the stupidest thing that you've done? Like, I once called up some random like we were at a gathering or something, and we were playing Truth and Dare, and you have to call from another's phone, and I didn't realize she was my cousin. And I bragged about like having like a huge group of friends and you being alone, like that sort of thing. And it was really mess. Yeah. She told my mother and it was a huge scene, but then we got sorted. That's the stupidest thing I've done. Okay. What are you most looking forward to in the next 10 years? Exploring myself and exploring other opportunities that come my way. Okay. So I think that's about the end of the rapid fire round, and I think you did extremely well. तो एक हैम्पर है फॉर यू फ्रॉम CDWT साइड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. कूल. सो देयर इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव एडेड, देयर इज अ न्यू सेगमेंट टू CDWT एंड दैट इज आस्क अ सीनियर. ठीक है, पहले नहीं होता था ये, अभी इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने. एंड सो यू हैव द प्रिविलेज टू आस्क मी 3 questions. मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उनका सही जवाब दूंगा, बट द कैच इज आई विल ओनली आंसर इन येस और नो. ठीक है, सो व्हाट आर योर 3 questions टू आस्क मी? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एज अ 2019 सीनियर, वुड यू बी ओपन टू गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रीट्स टू अस? यस, कांट से नो टू दैट. एंड वुड यू रादर बी अ सीनियर और वुड यू गिव समथिंग टू बिकम अ जूनियर अगेन लाइक एट एम्स? I think it's important to keep moving on in life, so I am happy where I am, but I would definitely love to be a junior again, so answer would be yes. Okay, so like from always you wanted to be a doctor or something? Doctor? No, not okay. Really. Okay. But it's not that I don't want to be a doctor, yeah. But like you said, you want to be a music composer. There are so many other aspects, like I gave the law entrance, some of you might know. So, मेरे को लॉ में इंटरेस्ट था, तो ऐसी देर आर सम यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आई थिंक एवरीबडी हैज दैट दे वंडर्ड दैट व्हाट इफ आई हैड डन दिस. ठीक है, एनीवे बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने, सो थैंक यू फॉर दोज क्वेश्चंस, दे रियली मेड मी थिंक. लेट्स कम टू दिस लास्ट सेगमेंट वेयर आई वॉन्ट यू टू टैग अ टॉपर. जैसे तूने अपने बहुत जो भी एडवाइसेस थी एंड लाइक यू सेड स्पेशली योर दीदी एंड ऑल योर कॉम्पिटिटर्स, हेल्दी कॉम्पिटिटर्स, सबके ओपिनियंस मिलके हमें एक बहुत मस्त इंटरव्यू मिला, विच गेव अस यू नो सो मच टू इम्प्लीमेंट इन आर ओन प्रिपरेशन, इन आर ओन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. सो यू ऑल्सो टैग अ टॉपर हु वुड सिमिलरली शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद आवर लर्नर्स, हु वुड यू लाइक टू टैग? सो आई वुड लाइक टू टैग उर्जिता जाधव, शी इज वन ऑफ माय बैचमेट, शी इज वेरी ब्राइट एंड यू वुड लव टू हैव हर. ओके, सो वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद हर एंड वी लव टू हैव हर ऑन CDWT. So with that, we come to the end, and I feel that it's very important that you give a message to all the aspirants and summarize the crux of our interview. Medical is a long journey. Matlab, first you have to study for 11th and 12th to get into a medical college, and then you have to pursue 5.5 MBBS, then MD. So you have to be in that mind frame that
it is what you're doing and it's gonna take effort. It's gonna take a lot of effort. So you have to be punctual and you have to be consistent because there are gonna be a lot of roadblocks. मतलब तुम्हारे life में इतने ज़्यादा challenges आएंगे ना तुम हर बार भाग नहीं सकते उनसे. So you've got to face them. You got to have that kind of integrity and that kind of strong willpower to just continue. And so wait, consistency is a lot of importance in this journey. So thank you so much, Yagyam. It was lovely having you. I hope you enjoyed this interview as much as I did. I did. And for all the aspirants, I think one key takeaway is that it's okay if you are getting demotivated at some points, whether it is because you are not doing well or whether you feel someone else is doing well. So in both situations, just give yourself the time and you know that you can do it. So thank you so much, Yagyam. I am sure you also enjoyed this interview as much as I enjoyed taking it. And all of you might not know that I am from Chandigarh and Yagyam is also from Chandigarh. So he's my city junior and that's a very special bond. Matlab AIIMS ke senior junior ka bond waise hi special hota hai. Exactly. And when the city is same, then it's even more special. So it was lovely having you here. And there are a lot of takeaways from this particular interview. The main one I would want you to take away is ki your family, your friends, they have, and even your competitors. These three have a very strong role in determining your outcome and make maximum use of these three resources at your disposal. They are your lifelines. Thank your friends, thank your family, and thank your competitors because they are the ones motivating you to go out there and kill your NEET examination. Wishing you all the very best for NEET 2023, which is on 7th May. May you do well, come out with flying colors, and hope to have you also on Chamomile Tea with Toppers. That's it for today's episode. Please remember to like, drop a comment, which was your favorite section of today's episode. What was the one thing that you liked the most? Share it with all your friends and subscribe to CDWT because we will be back with another episode of Chamomile Tea with Toppers. Please remember to like this video, drop a comment as to what was your favorite section of this video. Kya tumhe sabse acha laga? Share it with all your friends and remember to subscribe to CDWT. We will be back with more episodes for you guys. See you in the next episode. Take care. All the best.